नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सबरंग में। मित्रों, रोज सुबह आपसे मुलाकात होती है, सच कहूँ दिन बन जाता है, और हम यही कामना रखते हैं कि यही अनुभूति आपकी भी होगी कि हाँ, सबरंग देख के और इसमें सुनी हुई बातों को अपने जीवन में लाकर दिन बन जाता है, जीवन बनता चल रहा है। कई बार बचपन से ही मैं कहूँ, हम सुनते आ रहे हैं कि बुराई से दूर रहो, बुराई से दूर रहो। गांधी जी के तीन बंदर भी हमें दिखाए जाते रहे हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। लेकिन ये बुराइयां हैं कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती, यदा कदा हम कहीं ना कहीं इनके फेरे में आ ही जाते हैं। तो आप सभी बुराई से मुक्त होना ही चाहते होंगे ना, राइट? इसीलिए आज हम आपके लिए एक सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं कि कैसे बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। आइए आज के सुवाक्य में सुनते हैं। बुराइयों से दूर रहने का एक ही उपाय है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने देना। गौतम बुद्ध। दोस्तों, यह कुछ ऐसा है जैसे गंदे पानी के बर्तन में लगातार साफ पानी डालना। आखिरकार सारा गंदा पानी हट जाएगा और बर्तन में केवल साफ पानी होगा। ईश्वर द्वारा दिए गए दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान को नियमित रूप से और लगातार सुनना और उसका मंथन करना मन को सकारात्मक विचारों से भर देने जैसा है, और धीरे धीरे सभी नकारात्मक विचार सकारात्मक में बदल जाएंगे। और जैसे सुबह सुबह सुंदर विचारों के लिए हमें अपने मन के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए, वैसे ही सुबह सुबह जो हम आहार लेते हैं उस पर भी हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए। क्योंकि यदि सुबह का आहार स्वस्थ है, सुंदर है, तो सारा दिन अच्छा होगा। इसीलिए आज आपकी सेहत आपके हाथ में, आपके लिए हम लेकर आए हैं अच्छे से अच्छा ब्रेकफास्ट क्या हो, हमें उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, आइए जानते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आहार हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है, किंतु आहार लेने का समय खाली हम ये ना सोचे कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं और कब खाएं, ये बहुत जरूरी है। स्पेशली मैं आज आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बात बताता हूं कि ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा ब्रेकफास्ट नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए, हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। तो इसमें हमको क्या करना होता है, पहले तो आप जैसे एक फल, कोई भी सीज़न का फल हो, सेब है, संतरा है, मौसमी है, जो भी सीज़न का फल है, एक आप ले लें, अच्छे से वॉश कर लें, उसके पहले लेने से पहले ड्राई कर लें उसको, फिर अच्छे से आप खाएं, चबा चबा के खाएं। और उसके बाद आप सलाद, एक फुल प्लेट सलाद की, जैसे सीज़न का सलाद, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, चुकंदर और भी कुछ हरे पत्ते हो सकते हैं, इस तरह के मिक्स सलाद, जैसे शलगम भी साथ में ले सकते हैं, या गांठ गोभी आती है वो भी आप साथ में डाल सकते हैं। तो एक तरह से कलरफुल प्लेट आपकी सुबह सुबह अगर होती है तो आपका वो जो नींबू उसमें थोड़ा डाल लें उस सलाद के ऊपर, नमक ना डालें, तो आप एक फुल प्लेट सलाद की खा, लगभग 50% आपका जो इनटेक है वो फ्रूट और इससे हो जाता, आपका पेट भर जाता है। और उसके बाद फिर आप अंकुरित स्प्राउट्स, फ्रेश एकदम अभी जो स्प्राउट हुए हैं, फ्रेश स्प्राउट्स हुए हैं, अगर सर्दी का मौसम है तो भले उसको हल्का स्टीम कर सकते हैं, जैसे मूंग और मेथी स्पेशली दो चीज़ तो ज़रूर लें, और थोड़े से चने भी हो सकते हैं अंकुरित करने के बाद, हल्का सा नींबू डाल के बिना नमक डाले आप उसको आराम से खाएं, अच्छे से चबा खाएं। और बीन्स की सब्ज़ी जैसे कोई भी ग्वार बीन्स, फ्रेंच बीन्स, कोई भी हो, उसमें थोड़ा मिक्स कर लें तो उससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और उसमें आपको खाने में मज़ा भी आएगा। और फिर साथ में दलिया, दलिया में भी आप क्या करें, एक पौष्टिक दलिया जैसे बनाना, कैसे बनाना चाहिए, आप जो गेहूँ का दलिया, साथ गेहूँ को पिसवा लें दलिया के फॉर्म में, साथ में आप जो मूंग की दाल होती है छिलके वाली वो रखें, और थोड़ा बाजरा,
वो भी दलिया के रूप में रखें, अलग अलग रखें, और तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिक्स करके उसमें जो भी सीजनल वेजिटेबल डालें उसको पकाएं और हल्का नमक डाल करके उसमें नींबू डाल करके आप खाएं। तो ये आपका आदर्श ब्रेकफास्ट है, जिससे कि आप पाएंगे सारा दिन आप एक्टिव रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, और आप के अंदर जो भी है बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी, और सारा दिन आपका एफिशिएंटली बीतेगा। ओम शांति। आहार के बाद आइए चलते हैं अब विहार करने। स्पिरिचुअल इंडिया में हम हमेशा आपको यात्रा पर लिए चलते हैं, और अभी तो हम तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व सामने है, इसीलिए प्रतिदिन हम द्वादश ज्योतिर्लिंगमों के दर्शन कर रहे हैं। आइए आज चलते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की ओर। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर का अर्थ है ओंकार का स्वामी या ओम ध्वनि का स्वामी। ऐसा कहा जाता है कि अतीत में देवों और असुरों के बीच एक हिंसक युद्ध छिड़ गया था। देवता पराजित हुए और उनकी शक्तियां काफी कमजोर हो रही थी। असुरों को हराने का कोई अन्य विकल्प न देखकर देवताओं ने भगवान शिव की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओंकारेश्वर के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होकर असुरों को परास्त किया। आइए अब हम इन कहानियों के आध्यात्मिक रहस्यों का विश्लेषण करें। अब देवों और असुरों के बीच युद्ध के बारे में बात करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि यह कोई भौतिक युद्ध नहीं है, क्योंकि देव और असुर समय चक्र में दो अलग अलग समय बिंदुओं पर मौजूद थे। सतयुग और त्रेतायुग वह समय है जब देवों ने पृथ्वी पर निवास किया था, और निरंतर जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के कारण जब देवता कमजोर हो गए तो उनके दिमाग में 5 विकार प्रवेश कर गए, और द्वापर युग में मनुष्य का युग शुरू हो गया, और कलयुग में जब मानव मन दुष्ट या असुर हो गया है, हम 5 विकारों के खिलाफ एक कठिन युद्ध लड़ रहे हैं। वही आत्मा जो सतयुग में देव थी कलयुग में 5 विकारों से लड़ रही है। असुर या 5 विकारों को हराने का एकमात्र तरीका है शिव के सामने आत्मसमर्पण करना, उन्हें उनके मूल प्रकाश बिंदु रूप में याद करना और उनके दिव्य ज्ञान को सुनना। ओम शब्द को हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा सृष्टि की मौलिक ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्य धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि सृष्टि की प्रारंभ में एक शब्द था और वह शब्द ईश्वर ही था। हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रकाश का शाश्वत बिंदु शिव अल्लाह यहोवा कलयुग के अंत में धरती पर अपनी भूमिका निभाता है और फिर से सतयुग का निर्माण करता है। उसके लिए वह ज्ञान और ओम का अर्थ सिखाते हैं। प्रभु द्वारा बताए गए ज्ञान के अनुसार आ का अर्थ है आचरण या कर्म, उ का अर्थ है उच्चारण या वाणी, और मा का अर्थ है मनन या संकल्प। तीनों मिलकर ओम बनते हैं, और ये आत्मा और परमात्मा दोनों के 3 पहलू हैं। दूसरे शब्दों में ओम यह कहने का एक और तरीका है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा का संतान हूँ। ओम आपको याद दिलाता है कि आप इस शरीर में रहने वाली आत्मा हैं, और फिर से पवित्र बनने के लिए निरंतर परम आत्मा को याद करना चाहिए। तो यहाँ ओम सिर्फ एक जप से ज्यादा एक धारणा बन जाता है। आइए हम ओम ध्वनि के स्वरूप बने और इस शिवरात्रि को सार्थक तरीके से मनाएं। वो तप कौन सा है जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, और कैसे वो हमारे जीवन में शामिल होकर हमारी रक्षा करने लगते हैं, इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या वैसा ही तप हम भी कर सकते हैं? ऐसे ही सुंदर भाव और आध्यात्मिक रहस्य को प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्म कुमार सूर्य भाई जी। आइए आज का शिव संदेश उनके मुखारविंद से सुनते हैं। भक्ति मार्ग में सभी भक्त भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं, उनकी भक्ति का फल देने के लिए उसको एक बार तो आना ही होता है, और वे आते हैं
कल्प के अंत में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि काल में, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, वे सर्वशक्तिवान हैं। वे स्वयं आकर सिखाते हैं मेरे से अपना बुद्धि योग कैसे लगाओ, इसको राजयोग कहते हैं। और अनेक आत्माएं उनसे राजयोग सीख कर योग युक्त होती जा रही हैं। उन्होंने स्वयं आकर ये राजपथ का मार्ग दिखाया है, राजयोगी बनाया है, राज ऋषि बनाया है। इससे हम सभी परमात्मा से शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। इन शक्तियों से विकर्म नष्ट हो रहे हैं, विकार क्षीण होते जा रहे हैं, चित्त निर्मल होता जा रहा है, मनोबल बढ़ रहा है, मन की शक्तियां बढ़ रही हैं, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, चिंतन और विचार महान होते जा रहे हैं। इससे समाप्त हो रही हैं आजकल की अनेक समस्याएं, ज्यादा सोचने की आदत, बढ़ते हुए मानसिक रोग, घरों में तीव्र गति से उग्र होती हुई समस्याएं, संबंधों में बढ़ती हुई कड़वाहट, स्वार्थ, इन सब पर विजय हो रही है ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा। तो भगवान आकर जीवन जीना सिखा रहे हैं, घर घर को मंदिर बना रहे हैं। आइए उनसे राजयोग सीखकर उनसे जुड़ जाइए, तो आप में शक्तियां आ जाएंगी, आपका मनोबल बढ़ जाएगा। सुंदर शिव संदेश कि कैसे परमात्मा आकर घर घर को मंदिर बना रहे हैं, कैसे विषय विकारों से मुक्त कर रहे हैं, कैसे ये सिखा रहे हैं कि तुम मन मना भव हो जाओ तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और यही परमात्मा का संदेश ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को प्रदान कर रही हैं, ताकि उनका जीवन, उनका घर और सारा संसार ही स्वर्ग बन जाए। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में इन सुंदर सेवाओं को। अमरावती के SRN यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन विंग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। SRN यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति प्रोफेसर विद्या सांबशिवा राव, रजिस्ट्रार डॉक्टर आर प्रेम कुमार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उच्च अध्ययन निदेशक डॉक्टर नागा श्वेता पसुपुलेटी, ब्रह्मा कुमारियों के मूल्य शिक्षा कार्यक्रम के निदेशक VK पांड्या मणि भाई और आंध्र प्रदेश में ब्रह्मा कुमारी शिक्षा विंग के समन्वयक बहन VK पद्मजा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। SRN विश्वविद्यालय के कुलपति सांबा शिवराव ने ब्रह्मा कुमारियों की सेवाओं के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त की और यह भी इच्छा व्यक्त की कि ब्रह्मा कुमारियों के पाठ्यक्रम और शिक्षण उन्हें भारत के महान दर्शन और मूल्य प्रणाली को समझने में मदद करेंगे। MOU पर हस्ताक्षर के बाद विशिष्ट अतिथियों को ईश्वरीय उपहार देकर सम्मानित किया गया। मित्रों, शुरुआत में हमने देखा कि बुराइयों से मुक्त होने के लिए हम अच्छे विचारों को अपने जीवन में शामिल करें। साथ ही बुराइयों से मुक्त होने का एक और सुंदर सा तरीका हम अपने जीवन में अपनाएं, आज ही करके देखें इसे। हम जहां कहीं भी आजकल जाते हैं तो लिखा रहता है ना कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। हम अपने मन में ये भाव रखें कि मैं ईश्वर की निगरानी में हूँ, ईश्वर मुझे देख रहे हैं। यदि ये ध्यान रहेगा तो विचार करें कि क्या कोई भी बुराई हमें अपने प्रभाव में ले पाएगी, क्या हम कोई भी बुरा कार्य कर पाएंगे। ईश्वर, मेरे पिता मुझे देख रहे हैं, वो मुझसे ये चाहते हैं जैसे आप अपने बच्चों से चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा ही करें, कुछ बुरा ना करें, और यदि वो कुछ बुरा करते हैं आप उन्हें डांट करके ठीक करते हैं, समझाते हैं। ईश्वर पिता भी तो हमसे यही चाहते हैं ना। तो मन में ये भाव आज ज़रूर रखें और करके देखें, वो मुझे देख रहे हैं, मेरे कर्म कैसे होंगे। कीजिएगा, फिर ज़रूर इस पर हम लोग और बात करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।